मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वीतरागी देव शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन वृतांत की चर्चा चल रही है। उनके जीवन का एक एक पहलू हमें कोई अद्भुत शिक्षा देता हुआ जा रहा है। चारों अनियों की प्राप्ति उनकी चर्चा करने में हो रही है, वह आप देखते जा रहे हैं और देखेंगे भी। कुछ घटनाएं बीच में छूट गई क्योंकि कॉपी देख के तो पूरा नहीं पढ़ते हैं ना, तो कुछ घटनाएं छूट जाती हैं, तो उनकी चर्चा जल्दी से करते हैं। गुरुदेव श्री ने जब दीक्षा ले ली थी उसके बाद स्वाध्याय की जबरदस्त रुचि, 10-10 घंटे स्वाध्याय में व्यतीत होने लगे, रात दिन चैन ना पड़े तो निश्चित रूप से शरीर में थकान भी आ जाती है। थकान आ जाती है, सिर भारी हो जाता है, कभी आहार मिल गया, कभी अंतराय हो गया, कभी उपवास हो गया, तो शरीर कमजोर भी हो जाता है। ऐसी ही एक परिस्थिति घटी 1973 में, संवत 1973 में। उस समय एक दिन स्वामी जी स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय करते करते बीच में नींद सी आ जाए, झोला खा जावे, ऐसे झपकी आ जावे, है ना, ऐसा होने लगा। तो उनके गुरु जो हीराचंद जी महाराज थे, उन्होंने बड़े प्रेम से उनको समझाया, कांजी आ आपने न सोवे, सोते सोते शास्त्र पढ़ना ये अपने को सोवता नहीं है, थाकी गया हो ये तो शास्त्र ने बंद करी आड़ी आड़ी पड़खे सुवो, पण आ रीते सूता सूता शास्त्र ना बचाए, असाधना थाय छे। मैंने बड़ी कोमलता से ये बात, मैंने छूट जाने के बाद चाहे तो छोड़ सकते थे, लेकिन इसलिए बताई कि एक और उनका पुरुषार्थ इतना जोरदार, इतना समर्पण, इतनी पढ़ाई की लगनी, और ऐसा होने पर भी असाधना ना हो, इस बात का गुरु को चिंता। और फिर उनके पूरे जीवन में जिन्होंने देखा होगा, उनके निमित्त से जिनवाणी की असाधना नहीं हुई, असाधना नहीं हुई, वो ध्यान रखना। कभी शास्त्र को बिस्तर पे नहीं रखा, कभी पैरों में हाथ नहीं लगाया। आप कहोगे साहब फोटो तो ये लगाए पैरों में हाथ वाला, कि आप गौर से देखो ये फोटो नहीं है, ये पेंटिंग है। गुरुदेव श्री का ऐसा कोई फोटो नहीं है जो पैरों पे हाथ रखकर जिनवाणी पढ़े। ये जो फोटो है इसे आप गौर से देखो। मैं एक खास बात कहना चाह रहा हूं, हमारे गुरुदेव श्री की इज्जत रखना हमारा काम है। यदि हमें यह मालूम है कि यह चित्र गलत है तो इसका प्रचार हमें रोकना चाहिए, हमें नहीं लगाना चाहिए, हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम तो लगा के अलग हो गए, लेकिन लोग ये कहते हैं कि देखो पैरों में, हमें आप मना करते हो, देखो गुरुदेव तो पैरों में हाथ रख के पढ़ते थे। कि आप बिल्कुल गौर से देख लेना इस चित्र को, ये पेंटिंग बनाई गई है, वहां की कोई गुरुदेव का आज तक ऐसा कोई फोटो नहीं है जिसमें पैरों पर हाथ हो। आपको केवल इतनी सलाह देना चाहते हैं कि ऐसे फोटो को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि आपको ये फोटो ज्यादा ही पसंद हो तो इसको आप कंप्यूटर में डाल के पैर पे से हाथ हटा दो। नहीं, अब आजकल तो ये सिस्टम हो गया ना, पैरों पे हाथ से हाथ हटा दो और फिर इसी फोटो को खूब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारी सावधानी होनी चाहिए, हम मान स्तंभ में भी ऐसी फोटो लगा देवे पैरों में हाथ वाले, तो फिर जो हमारे विरोधी हैं उन्हें कहने का अवसर मिलता है कि देखो देखो, और फिर हमारे विद्वान भी पैरों में हाथ लगाने लगते हैं, उन्हें टोको तो कहते हैं गुरुदेव तो लगा देते, इसमें क्या हुआ। इस प्रसंग को याद करके मैंने ये बात आपको
बतानी थी। इसके बाद एक प्रसंग जो 1986 का है, आपको याद होगा 1986 में अमरेली में समय सार जी की प्रवचन सबसे पहले प्रारंभ हुआ और वहां पर रामजी भाई कामाणी उस गांव में रहते थे और उन्होंने समय सार जी का प्रवचन पहली बार सुना कि भगवान आत्मा त्रिकाली शुद्ध है, द्रव कर्म नौ कर्म भाव कर्म से रहित है, कर सकता ही नहीं है, राग का कर्ता नहीं है, भोगता नहीं है। तो रामजी भाई कामाणी प्रवचन के बाद गुरुदेव के सामने बोले कि साहब ये शास्त्र यहां मत बांचो, पचता नहीं है, हमारे पेट में दर्द होता है, ये हमसे सुनते नहीं बनता, ये पचता नहीं है। तो गुरुदेव श्री बोले भाई रोटली तो रोज ही खाते हैं लेकिन जिस दिन मैसूर पाक आ जाए तो क्या ना पाड़ते हैं? मैसूर पाक आ जाए तो कोई मना करता है कि आज हम मिठाई नहीं खाएंगे? हमको तो रोटली खाने की आदत है भाई। ऐसे ही अभी तक तुमने जो बात सुनी थी वो तो दाल रोटी भी नहीं थी, आज समय सार का अमृत पहली बार तुम्हें मिला है, तुम इसे नाम मत करो, पचेगा है। ये गुरुदेव श्री उस समय बोले, एक घटना उस समय घटी थी। इसके बाद हम परिवर्तन के प्रसंग में आ गए थे लेकिन छोटी छोटी बातें हालांकि हो सकता है मैंने बता भी दी हूं लेकिन अब हम उस मार्मिक चित्रण को, सही बात कहूं तो कल कुछ भी नहीं कह सके हम, जो हमारे ध्यान में झलक रहा है या हमें ख्याल में आती है उन परिस्थितियों की चर्चा वो कहने में नहीं आती, और कहने में भी आ जाए तो समझने के लिए आपको पूरा दृष्टिकोण चाहिए। अरे भाई राजकोट से पहुंचते उमराड़ा तक, सोनगढ़ तक कितने दिन लग गए? बहुत दिन लग गए। अभी चतुर्मास पूरा करने के बाद, चौमासा पूरा करने के बाद चैत में आए, चैत में कितना महीना निकल गया? कार्तिक के पहले है ना, तो यहां परिवर्तन करने की भावना थी 4 महीने में, सो तो हुआ नहीं। अभी कार्तिक में चौमासा पूरा हुआ, कार्तिक से लेकर के चैत तक 4-5 महीने, रास्ते में केवल जामनगर, ध्रुवान और गढ़ और उमराड़ा, 4 गांवों में ये 4-5 महीने बीते, हर जगह चेष्टा करी कि हमारा परिवर्तन यहां पर हो जाए लेकिन कोई अनुकूलता नहीं थी, कोई समर्थन नहीं था, विरोध पे विरोध आने लगे, ये चर्चा कल हो गई है। अभी मुझे जो बात बतानी है वो ध्यान से सुनने जैसी है, जिसको आपने अपने कार्य करने की धगस हो, जिसे मरपच करके आत्मकल्याण करना हो, जिसे अपना मनुष्य भाव यूं ही नहीं खोना हो, आखिरकार कांजी स्वामी ने यह फैसला कर लिया कि अब मैं उस गांव में जाऊंगा जहां पर एक भी स्थानकवासी ना हो, ये पक्का कर लिया। और हरि भाई भायानी को बोल दिया कि तुम ऐसी जगह ले चलो जहां पर कोई जानता ही ना हो। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी। देखो गुरुदेव व्यापार नहीं कर सकते थे, गुरुदेव किराए का पैसा नहीं भर सकते थे मकान का, और होटलों में जाके खा नहीं सकते थे, सड़क पर हाथ फैला नहीं सकते थे, और फिर ऐसे गांव में चलने जाना जहां पर अनजाना गांव हो, जहां स्थानकवासी जानते ही कोई हो ही नहीं, किसी को ये मालूम ही नहीं हो कि ये साधु थे, तो कोई तुम्हें अपने आप रोटी देने आएगा नहीं, मांगने जाओगे नहीं रोटी देने आएगा नहीं, कोई व्यापार कर सकते नहीं, बना सकते नहीं, कमा सकते नहीं। अब कल्पना कर सकते हो क्या सोचा था उन्होंने। गुरुदेव बोले मैंने 4-6 गांव में ट्राई कर लिया लेकिन मेरे निमित्त से सभी जगह संताप हो रहा है, तूफान हो रहा है, सबके चित्त दुखी हो रहे हैं, मैं एक भी व्यक्ति को दुखी करके अपना परिवर्तन नहीं करना चाहता, मैं परिवर्तन तो करूंगा लेकिन ऐसे गांव में करूंगा जहां किसी का चित्त ना दुखे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसकी इमेज करना अभी पसीना निकल आवे अपने तो है, बोलो। इतनी करुणा कोई हमारे से दुखी नहीं हो गया, इतनी धगास कि अब जो होगा सो देखेंगे। गुरुदेव श्री से जब परिवर्तन हो गया और माहौल शांत हो गया, अच्छा हो गया, तब आखिरकार
रामजी भाई वगैरह पूछते थे, कई प्रसंगों में बात हुई कि साहेब जिस समय आपके पास कोई नहीं था, मात्र एक आदमी था, तो आपको इस बात का विश्वास कैसे हो गया? आप कमा सकते नहीं थे, बना सकते नहीं थे, यानी कुछ कर नहीं, तो आपको कैसे विश्वास हो गया कि आपका जीवन चलेगा? तब गुरुदेव श्री ने देखो इतना बढ़िया जवाब दिया, एक और तो मुझे जैन दर्शन में पुण्य पाप का विश्वास, ये देह चलनी है तो रोटली मिलेगी, जितनी उम्र इसकी होगी 90 बरस, तो 90 बरस चलने के लिए इस देह को ऐसे ही नहीं चलेगी, रोटी हो लिखी होगी, 90 बरस शरीर चलना है तो 90 बरस की रोटी भी कहीं ना कहीं लिखी होगी, कहां लिखी होगी ये तो खुद को भी नहीं मालूम। ये कर्मों का विश्वास, पुण्य पाप का विश्वास, और सबसे बढ़िया विश्वास कि मुझे जैन शासन के सत्य शासन के प्रभाव का विश्वास है, जिस शासन को 18,500 वर्ष चलना है उस शासन की छत्र छाया में जाने के बाद मुझे कोई तकलीफ हो सकती नहीं। कल्पना तो विश्वास कर सकते हो, मुझे कोई तकलीफ हो कैसे सकती है, मुझे जिन शासन की प्रभावना का विश्वास था, और आखिरकार मैंने समर्पण कर दिया। देखो इस तरह बात चलते चलते उमराड़ा में आ गई थी, है ना, और वहां पर सेठ लोग मनाने भी आए थे, धमकियां भी दी गई, धमकियां प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन गुरुदेव के पुण्य का उदय ऐसा था कि कोई हाथ छू नहीं सका उनको, चिल्ला सके, डर दिखा सके, भय दिखा सके, छुआ किसी ने नहीं। चाहे थे तो कोई जबरदस्ती 4 जने पकड़ लेते, मारपीट करते कि बंद कर देते कि कुछ भी करते, वो ये पुण्य का उदय रहा। यहां पर कल्पना करो, एक तरफ पूरे समाज का तूफान है, एक कमरे में गुरुदेव अकेले और पूरा कमरा ठसाठस भरा है, जगह जगह से प्रतिनिधि मंडल आए हैं, साधुओं ने जगह जगह से सेठों को भेजा है, श्रावकों को भेजा है कि किसी भी कीमत पर परिवर्तन रोकना है, अब पूरा खचाखच कमरा भरा हो गुरुदेव अकेले, बोलो यदि कुछ हो जाता तो कौन रोकने वाला था वहां? लेकिन ये गुरुदेव के पुण्य के प्रताप ने और जिन शासन के प्रताप ने उनकी रक्षा करी, वे चिल्ला तो सके, डांट तो सके, जो भी उन्हें धमकी देनी थी, लेकिन हाथ नहीं लगा पाए, बांधा नहीं, कमरे में बंद नहीं किया, ये पुण्य का प्रताप है। रो पड़े सेठ, रोते रोते, ये वर्णन कर नहीं बताया, रोते रो पड़े, ये कैसे ही तो इन्हें दया आ जावे, फूट फूट के रोवे, धमकियां देवे, हम तभी जाएंगे जब आपको मना लेंगे, हम भी आमरण अनशन कर देंगे, हम भी ऐसा कर देंगे, हम अपना आहार जल छोड़ देंगे, माने जितना साम दाम दंड भेद हो सकता है सब तरह का प्रयोग हुआ। लेकिन कल जो बता दिया था गुरुदेव ने, क्या क्या समझाया भाई, हम कैसे पलटें? बात तो सही है कि तुम्हारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारी प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन हमारे तो अनंत काल का सवाल है, तुम्हारे तो 4 दिन की जिंदगी का सवाल है, हैं? हम नहीं तो और इज्जत रखने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे अनंत काल का क्या होगा, हम तो एक समय भी खो सकते नहीं। ऐसा करके बिल्कुल मैंने यूं कहो कि यहां पर दृढ़ निष्प्रयता, निर्लोभता, एक ही गुण, धगस की मूर्ति। अरे भाई क्या कहें, कल्पना कर सकते हो, अभी भी स्थिति खराब है, ठहर गए उधर स्टार ऑफ इंडिया में आकर के, तो अभी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, हैं? परिवर्तन की तारीख शायद कल नहीं बताई हो तो अभी बता देता हूं, चेत सुदी तेरस, मंगलवार का दिन, मंगलवार का दिन, दिन भी मंगल है, 16 अप्रैल 1935 का दिन, उस दिन ये परिवर्तन हुआ। इसके पहले 24 दिन पहले स्टार ऑफ इंडिया पे आ गए थे, 24 दिन लगे अभी भी, 24 दिन बीच में आने जाने वाले, समझाने वाले, व्यवस्था बनाने वाले, फोटो लाने में टाइम लगा, सारे 24 दिन और लगे, और फिर आखिरकार 24 दिन बाद ये परिवर्तन हुआ। बताना क्या है कि अभी बता सकते हो कि अब गुरुदेव श्री के पास कुछ भविष्य का मालूम था कि सोनगढ़ में जगह खरीद ली जाएगी, मंदिर बन जाएंगे, फिर पूरे देश में इतना प्रभाव ना हो जाएगी,
लाखों लोग बदल जाएंगे। गुरुदेव के पास कोई प्लान था, कुछ मालूम था, अवधि ज्ञान था? उस तारीख में देखा जाए, उस तारीख में जब परिवर्तन किया है, उस समय चारों ओर अंधकार, एक भी व्यक्ति समर्थक नहीं, रोटियां भी केवल उनके यहां जो वैष्णव हैं, दो परिवार उनके यहां। इतना ही नहीं, गुरुदेव के पास मिलने को आने वाले आए आए तो उनका भोजन भी वो दो परिवार में। कल्पना कर सकते हो गुरुदेव की सीने पे कितना बड़ा पत्थर रख करके रहना पड़ा होगा। हमारे हिसाब से कहें तो पूरी जिंदगी 90 बरस है, तो 90 बरस के लिए भी वे उस स्टार ऑफ इंडिया में अकेले रहने आए थे। अभी आपको, आपने तो चमक देखी, चमक आपने तो चमचमाता हुआ सोनगढ़ देखा है, गुरुदेव ने तो वो अंधेरी रातें देखी, अंधेरी रातें। तीन बरस में कितने दिन हुए, क्यों तीन बरस दो महीने में कितने दिन हुए? मालूम नहीं था कि कुछ व्यवस्था बनेगी, कोई सेठ आएगा कि कोई समर्थन देगा, दिगंबरों का तो स्वप्न भी नहीं था। कल्पना कर रहे हो, समझ में आ रही है कुछ? एंडलेस, अभी कुछ पता नहीं है कि हमें कितने दिन और लगेंगे इस तरह से, कितने दिन तक हम अकेले रहेंगे, कितने दिन तक ये पराधीनता रहेगी, कितने दिन तक छिप छिप कर रहेंगे। मैं ये ताकत बताना चाह रहा हूं, उस हृदय की ताकत, उस सत्य के प्रति समर्पण कितना जबरदस्त रहा होगा, वो ताकत इसमें बतानी है, इसलिए मैं इस चर्चा को रिपीट। हमारे तो कल्पना से भी बाहर है बात। अभी आपको घर में एक दिन भोजन की व्यवस्था नहीं हो, एक ब्रह्मचारी त्यागी को दो चार दिन समाज में रहना पड़े और व्यवस्था नहीं हो ठहरने की, खाने की, पीने की, तो सारा प्रवचन एक तरफ, सारी स्वाध्याय एक तरफ, सारा पूजा पाठ एक तरफ, मंदिर में भी बैठे तो शायद देखो अब जो बुलाते कि नहीं भोजन करने के लिए, देखो जो पानी को पूछेंगे कि नहीं, ये ठहरने को पूछेंगे कि नहीं, देख लो करके करके देख लो एक दिन जरा, जहां आपको ठहरने की व्यवस्था ना हो, तकलीफें हों और वहां आपको पूजा पाठ में मन लग जाए। हैं, अरे रे, जब तिथि नक्की हो गई चेत सुधी तेरस, तो गुरुदेव की 24 दिन से ही प्लानिंग, तैयारियां, अंदर अंदर भावनात्मक उल्लास, 13-14 का उपवास किया। अरे आज तो मेरा नया जन्म होने वाला है, नया जन्म, 13-14 उपवास है। साथ में दो साधु आए, आए थे ना, जीवन लाल जी और राजपाल जी महाराज, दोनों दोनों से पूछा, क्यों भाई तुम क्या करोगे? मैं तो परिवर्तन करूंगा, तुम क्या करोगे? भाई मैं तो मर पच करके करूंगा, लेकिन तुम बोलो तुम्हें क्या करना है? दोनों साधु बोले, साहब जो तुम्हारी गति सो हमारी गति, जो आप करोगे सो ही हम करें। हालांकि उस शेष सूरी तेरस को केवल गुरुदेव श्री ने पट्टी छोड़ी, दो साधुओं ने नहीं छोड़ी, चाहते तो छोड़ सकते थे, लेकिन भाई साहब छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, बाद में लाखों परिवर्तित हो गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान से सुनना, जिन साधु साधुओं ने बाद में मुखपट्टी छोड़ी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक तरफ 4 लाख का परिवर्तन है, तो एक तरफ अकेले गुरुदेव का परिवर्तन है। भाई साहब आपको क्या कहते हैं, समर्थन मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, व्यवस्थाएं मिल जाए, और फिर विरक्त हो जाओ, फिर समर्पित हो जाओ और फिर त्याग कर दो, बहुत आसान है। लेकिन जहां चारों ओर तूफान तुम्हारे नाम पर, कुछ एंडलेस, अभी कुछ पता ही नहीं कल क्या होगा, कहां जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ सकते ना कितना बड़ा समर्पण होगा। मैं तो कहता हूं इतनी सी कहानी भी समझ में आ जावे तो हमारे चित्त में से उनके प्रति जरा सी भी दुविधा हो, दिगंबर जैन समाज को पूरे हिंदुस्तान में, तो निकल जानी चाहिए। इसके बावजूद, हा हा हा, 13 के दिन उपास, सब काम हो गया 2-3 बजे। अब 3 बजे से समय सार जी विराजमान करके स्वाध्याय प्रारंभ, स्वाध्याय प्रारंभ। श्रोता कितने? 3 2 साधु और 1 भी आनंद है। 14 का दिन आया,
पता ही नहीं पड़े किसी को, गुपचुप तीनों जने निकल गए जंगल में। मुनिराजों की भक्ति, स्वतंत्रता का आनंद है। उसके ठीक 18 दिन बाद, चैत के बाद बैसाख सुदी बैसाख दूज बैसाख सुदी बीज है ना, 18 दिन बाद 4 मई 1935 को गुरुदेव ने फिर उपवास करके जन्मदिन मनाया। मनाया मतलब अभी तक तो जन्मदिन मनाया नहीं साधु अवस्था में, अब मेरा पहला जन्मदिन सच्चा है। उपवास पूर्वक, मुनिराजों की भक्ति पूर्वक, आचार्यों का स्मरण पूर्वक, अभी मैं स्थानकवासी नहीं हूं, अब मैं दिगंबर जैन में जन्म हुआ है ना, अब तो अब असली जन्म तो आज हुआ है। ऐसे मस्ती करते करते करते, अब मैं मस्ती कह रहा हूं, एकदम सहजता, एकदम आनंद, इस तरह से उनका जीवन आगे बढ़ते बढ़ते चलता जा रहा है ना। ये सारी बातें आपको बता दी हैं, देख लेता हूं। एक भजन सुनाने का मन कर रहा है कि ओ 14 के दिन जंगल में क्या गीत गुनगुनाया होगा, क्या अंदर से मस्ती आई होगी। देखो भाई, सच्ची बात बताएं तो हमें तो गुरुदेव की कथा नहीं कहनी है, मेरी अपनी जो भावनाएं हैं ना वो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं तो, इसलिए मैं तो हर प्रकार से आनंद करने के चक्कर में हूं। अब हम सहज भय ना रुलेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। और समझ में आया, अब हम मुक्त हो गए, अब हम सहज हो गए, अब पराधीनता नहीं रही। सुनो, बहु विधि रास रचाए अब लो। समझ में आ रहा है अर्थ? रास रास माने बहुत प्रकार के वेश, बहुत कपड़े पहने, व्यापार किया है, दीक्षा ले ली और दीक्षा छोड़ दी, ये रास रास रचाए। बहु विधि रास रचाए अब लो, अब ना भेष धरेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। आप चाहो तो जंगल में देखो गुरुदेव को, जंगल में मस्ती करते हुए देखो हैं। मोह महादुख कारण जानो, मोह महादुख कारण जानो, इनको नलेस धरेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। भोग आदि तो विषय भोग आदि तो विशेष में जाने, भोग आदि तो विशेष में जाने, क्या करो फिर हो? इनको बमन करेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। जग जो कहे सो कह लो भैया। समझ में आ रहा है? दिख रहे हैं गुरुदेव, दिख रहे हैं? जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नाही करेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। अब हम आपसों आप में बस के, अब हमें आपसों आप में बस के, जग सो
मौन रहेंगे अब हम सहज भय ना रुले। गुरुदेव को थोड़ी मालूम था ये समाज लग जाएंगी, गुरुदेव को थोड़ी मालूम था कि हम बहुत प्रवचन करेंगे। सच्ची बात है कि प्रवचन सुनाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए दीक्षा नहीं छोड़ी। जगत सुने के नहीं सुने, जगत को जो कहना हो कहो, अब हम मौन रहकर अपनी काम कर लेंगे। सच्ची में कल्पना करो उस समय क्या क्या था उनके पास, भविष्य का क्या फ्यूचर प्लानिंग थी, बोलो है? अब हाँ मैं गुपचुप, समझते हो गुपचुप, गुपचुप समझते हैं ना? अब हाँ मैं गुपचुप निज में निज लख, अब हाँ मैं गुपचुप, कैसा है मोक्ष का मार्ग? अब हाँ मैं गुपचुप निज में निज लख, और कछु ना चाहेंगे, रोटी नहीं चाहेंगे, सहयोग नहीं चाहेंगे, दुनिया का समर्थन नहीं चाहेंगे, पुण्य का उदय नहीं चाहेंगे। गुरुदेव श्री बोले, वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं ढूंढता, यदि मैंने व्यवस्थाएं ढूंढी होती तो मुझे मिलती ही नहीं, मैं कभी छोड़ ही नहीं पाता। ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्या कहा? वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं ढूंढता, यदि हमने व्यवस्थाएं ढूंढी होती कि भैया कहां व्यवस्था मिलेगी तो नहीं छोड़ पाते, लेकिन चार पांच महीने लगे, अभी बताया है राजकोट से निकलने के बाद, उस चार पांच महीने में व्यवस्था नहीं ढूंढी, निकल ही पड़े कि इस बार तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया के किसी कोने में ऐसा गांव मिल जाए बस, या जैन ही नहीं रहते हो वहां में जाऊंगा। व्यवस्था ढूंढी थी कि चले गए थे निकल करके। मैं सच कहता हूं, आज पूरे हिंदुस्तान के त्यागियों से, साधुओं से, ब्रह्मचारियों से कलेजे पे हाथ रखें, साहब हम तो ब्रह्मचर्य लेने तैयार हैं, एक आश्रम होए, एक शुद्ध भोजन की व्यवस्था होए, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, तुम चौका तो लगाओ, हम तो मुनि बनने तैयार हैं, और तुम ऐसा तो करो, कलेजे पे हाथ रख के देख लो, हम पहले नंबर व्यवस्था ढूंढते हैं तब हम परिवर्तन करेंगे, यदि करेंगे तो, यदि दीक्षा लेंगे तो तब। ब्रह्मचर्य कब लेंगे कि साहब आजकल व्यवस्थाएं तो कहीं मिलती नहीं है, साधर्मी बात मिलता नहीं है, समाज प्रेम करती नहीं है। एक ब्रह्मचारी ने शादी कर ली, उसकी यही शिकायत थी, समाज प्रेम नहीं देता है, बात्सल्य नहीं रहा, कोई पूछता नहीं है, इससे तो शादी करके चैन से रहो। मैं बढ़िया ही रही तुमने चैन से शादी कर ली। मैं पढ़ो, तुम गुरुदेव श्री का जीवन पढ़ो। भाई साहब मैं सच कहता हूं, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, कुछ कह नहीं सकता हूं, क्या मेरे ज्ञान में आ रही होगी इस समय बाद, मेरे अनुभव में क्या समझ में आ रही होगी। व्यवस्थाएं ढूंढना बहुत आसान है। गुरुदेव श्री से जब किसी ने आकर कहा कि हम भी परिवर्तन कर लें, व्यवस्था मत ढूंढना, व्यवस्था मत चाहना, रूखा रोटला अने छाछ गमे तो विचार कर लेना, और नहीं तो अपने अपने घर जाओ, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम ये चाहो कि हम यहां कोई व्यवस्था कर दें तो व्यवस्था नहीं होगी। भूखे भी मरना पड़ सकता है जीवन महाराज, राजपाल महाराज, भूखे मरना पड़ सकता है, चाकरी करनी पड़ सकती है, झूठे बर्तन मांजने पड़ सकते हैं, झाड़ू काटना पड़ सकती है कोई के घर में। इतना परिणाम तैयार हो तो आत्मकल्याण करने के लिए आओ। मोक्ष मार्ग में मान कसाई की व्यवस्था नहीं है, आत्मकल्याण की व्यवस्था है। इतना समर्पण में पुण्य बंधा होगा ना चार पांच महीने में, वो पांच साल में 86 से, इसलिए जाकर के ये पुण्य के उदय में कामाणी का भाव जागा, हीरा भाई का, हीरा भाई दामाणी, उनका भाव जागा कि साहेब अचानक, हो अचानक विदाउट एनी प्लान, कि साहेब हमारा महाभाग होगा यदि आप पधारो तो। अच्छा चलो, बट गुरुदेव तो सरल, चलो जंगल में है ना, हाँ एकांत में, कोई आता जाता तो नहीं है, बहुत बढ़िया, जैसा चाहा था वैसा स्थान मिल गया। ए स्थान देख करके समर्पण नहीं किया, समर्पण किया तो स्थान मिला, फर्क है फर्क। मैं इसलिए कहानी फिर से सुना रहा हूं कि लोग ऐसे सोचेंगे
कि साहब इतनी इतनी व्यवस्था मिल गई, हरि भाई धामान वो मिल गए, वे मिल गए, सब मिल गए, तभी तो करा ना, तब नहीं किया। ये तो पुण्य के उदय में बाद में मिले, अंदर का समर्पण और त्याग कितना जबरदस्त था है। काबू से कछु ना चहेंगे अब हम, सहज भय ना रुलेंगे, निज आत्म में मगन शु होकर, निज आत्म में मगन शु होकर, अष्ट कर्म को दहेंगे अब हम, सहज भय ना रुलेंगे। जंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, गुरुदेव दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं है? निज प्रभुता ही लखते लखते, निज प्रभुता ही लखते लखते, शाश्वत प्रभुता लहेंगे अब हम, सहज भय ना रुलेंगे है। अपनी सहजता, अपनी सहजता, अपनी सहजता, निरखी निज द्रग काहे ना ओमगेंगे, काहे हम है? अब हमें उमंग क्यों नहीं होगी, उमंग हम नाचेंगे क्यों नहीं, हम प्रफुल्लित क्यों नहीं होंगे। सही में अपन ने परिवर्तन भी किया होता तो टेंशन में ऐसे होती, अब क्या होगा, पट्टी तो छोड़ दी अब क्या होगा, ऐसे ऐसे घबरा रहे होते। यदि कर भी देते तो, और ये तो जंगल में मस्ती कर रहे हैं। काहे ना उमंगेंगे अब हम, सहज भय ना रुलेंगे, यो जग छूटो, यो जग छूटो। थानकवासी संप्रदाय छूट गया, सारे रिश्तेदार छूट गए, हो सब छूट गए, कर्म भी टूटो, जगत तो छूट ही गया, हे कर्म तुम भी टूटो। जगत तो छूट ही गया, हे कर्म तुम भी टूटो, यो जग छूटो, कर्म भी टूटो, सिद्ध शिला पे रहेंगे अब हम, सहज भय ना रुलेंगे। हे प्रभु, क्या परिस्थिति होने कोई खबर नहीं पड़े किसी को, देह का कुछ भी हो सकता है, आत्मा का क्या हो, जिसको आत्मा की दृष्टि हो। मैं तो सच कहता हूं, ये बातें याद आती हैं तो अखियां भर भर आती हैं। जैसे आज के नेता हमारे सैनिकों की कुर्बानी का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे हम पंडितों ने गुरुदेव को बेच खाया। थोड़े कहे में पूरा समझ लेना, बस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज भी जाग जाओ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं तो असाधना का इतना पाप होगा, अनंत काल ठिकाना नहीं पड़ेगा। ये हुंडा सर्पणी पंचम काल में बहुत विराधक जीव आए हैं, गुरुदेव पर इतनी विपत्ति आ सकती है, बहन श्री पर इतनी विपत्ति आ सकती है, श्रीमद जी पर विपत्ति आ सकती है, तो हम तो घोर विराधक हैं। बहुत हृदय से कह रहे हैं, हमारा पवित्र हृदय होना चाहिए, गुरुदेव का नाम बिकना नहीं चाहिए, गुरुदेव की नकल हमें बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बहन श्री की नकल बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत तकलीफ होती है लोगों को, ऐसा लगता होगा मैं क्या बतावे, हृदय क्या कहवे। आज जितनी जितनी इज्जत गिर चुकी है ना, इज्जत
उससे गुरुदेव का नाम लेने में, बेंसरी का नाम लेने में भी तकलीफ होने लगी। तकलीफ, जबकि हम जानते हैं वे पवित्र जीव हैं, उनका जाति स्मरण पवित्र है, उनका जो कुछ हुआ वो सब पवित्र था, लेकिन उसके बाद जो नाटक हुआ है उसके कारण बेंसरी संदेह के घेरे में आ गए, गुरुदेव संदेह के घेरे में आ गए। मालूम है ज्यादा क्या कहे भाई, थोड़े में बहुत समझ लेना, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये गुरुदेव ने जो ये समर्पण किया है ना, ये परिवर्तन, उसकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। वो दिन जो अकेले व्यक्ति ने गुजारे होंगे उनकी क्या कल्पना करेंगे हम। इसलिए मैं कहता हूं 4 लाख एक तरफ है और 1 का परिवर्तन एक तरफ है। गुरुदेव के साथ 2 जनों ने पट्टी नहीं छोड़ी थी, थोड़े दिन बाद जब माहौल ठंडा हो गया तब धीरे से 1 दिन छोड़ दी, लेकिन क्या कीमत थी उसकी। हालांकि हम उसका कोई अपमान नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी गुरुदेव की कीमत बताने के लिए बता रहे हैं कि उसकी क्या वैल्यू थी। हा भाई, हमारे छोटे छोटी मोटी महत्वाकांक्षाओं को एक क्षण में छोड़ देना चाहिए। यदि हमारे गुरुदेव श्री हमें 18,500 वर्ष रखने हों तो, और नहीं तो छोटी छोटी ग्रुपिंग करते रहो, अपने मन के धन पूरे कर लो, लेकिन गुरुदेव को क्षति पहुंचेगी। कोई बात नहीं, आइए और परिस्थिति बताते हैं आपको। उस समय एक शंका यह भी हुई कि भोजन में विष मिलाया जा सकता है, इसलिए गुरुदेव श्री के लिए जब भोजन दिया जाए तो सबसे पहले भायानी हरि भाई हो तो वो खुद खा के देखें, अथवा वहां पर कोई जानवर हो तो थोड़ा उसे खिला के देखें, फिर 1-2 घंटे बाद उसका परिणाम देखें और तब गुरुदेव श्री को भोजन दे देते। कितनी सावधानी रखनी पड़ रही थी उस समय, कहीं भोजन में कोई जहर ना मिला दे, क्योंकि जिनके यहां भोजन बन रहा है उनके यहां बड़ा परिवार, हरगोविंद भाई उनके यहां बड़ा परिवार, मोटा परिवार, नगर सेठ जैसी स्थिति थी, गांव में प्रधान थे, तो उनके तो नौकर है, चाकर हैं, रिश्तेदार हैं, बनाने वाले हैं, कोई को भी बहला के फुसला के कहीं कुछ हो नहीं जाए, कहीं धोखे से भी जरा सी घटना घट नहीं जावे, 24 घंटे हरिभाई भायानी सतर्क है। क्या समाचार पत्रों में निंदा, कायर का बच्चा, गीदड़ का बच्चा भाग गया, ताकत हो तो बात करके देख ले, ताकत हो तो चर्चा करके देख ले, ऐसे चैलेंज छापा में। गलत कहना बहुत आसान है, पहले हमसे चर्चा कर ले वो, और हम गलत होंगे तो बदल जाएंगे, नहीं तो तुम बदल जाना, इतने इतने चैलेंज। गुरुदेव श्री बोले, हां भाई मैं शेर का बच्चा नहीं हूं, मैं कायर का बच्चा हूं, सच्ची बात है मैं तो भाग गया, सच्ची बात है मैं तो भाग गया, मैं ऐसे बोले गुरुदेव हैं। अरे रे प्रभु, विरोध की झड़ी लग गई, झड़ी। अरे क्या वो आप कल्पना तो कर ही सकते ना, उस समय क्या माहौल हो सकता है ना। इस तरह से करते करते गुरुदेव एक बात कहते थे, बाद में पूछते थे कि साहब आपका काम हो कैसे गया, तो बोले 3 हा मिले तो हमारी हा हो गई, 3H 3 हा मिले तो मेरा काम हो गया है। हर गोविंद भाई, हरिभाई भायानी और हीरा भाई दामानी है, हीरा भाई दामानी, ये 3 मिले तो हमारा काम हो गया, 3 हा मिली तो हमारी हा हो गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहत की एकता हुई तो हमारी हा हो गई। गुरुदेव श्री ऐसा नहीं, उपकारी का उपकार भूलते नहीं थे, उपकारी का उपकार नहीं भूलते थे, ओ हो, और हमें उपकारी का उपकार चुकाना तक नहीं आया, क्या कहें भाई, है ना। इस तरह से बहुत सारी चर्चाएं हुई। अभी आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे क्या चलें, धीरे धीरे विरोध शांत होने लगा, पुण्य का उदय आया, धीरे धीरे विरोध शांत हुआ, लेकिन जो छापा में प्रचार हो गया था ना, तो यहां से गुरुदेव के पुण्य का जन्म हुआ। इसलिए गुरुदेव कहते थे विरोध प्रचार की कुंजी है। वैसे यदि छापा में नहीं छपता परिवर्तन के समय, अखबारों में परिचयबाजी नहीं होती, भाषणबाजी नहीं होती, नेतागिरी नहीं होती, तो कोई को मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कहां हैं।
कोई को मालूम ही नहीं पड़ता। अब हम चुपचाप अकेले रह जाते, कोई तो कल्पना ही नहीं कर सकता था ना। वहां स्टार ऑफ इंडिया तो एक इंटीरियर है ना, सोनगढ़ से भी थोड़ा हटके, तो वहां आता कौन। तो हमारा तो विरोध प्रचार की कुंजी हुई, जब पूरे में खलबलाहट मच गई, गांव गांव सौराष्ट्र के गांव गांव, काठियावाड़ के गांव गांव में खबर पहुंच गई, कांजी स्वामी विरोधी है, कांजी स्वामी विरोध में, काला पर्चा निकालो, काला मुर्दाबाद जिंदाबाद, जो हो सकता था सब हुआ। तो अब लोगों की एक ही जिज्ञासा थी कि अब आगे क्या होता है। ये जिज्ञासा कि आगे क्या होता है। अब कोई समाचार नहीं, एक दिन समाचार नहीं, दो दिन समाचार नहीं, एक महीना समाचार नहीं। आखिरकार लोगों की बेसब्री होने लगी, तो लोग जो व्यापार करने के लिए भावनगर जाते थे तो गाड़ी में से ढूक ढूक कर, ढूक समझते ढूकना, झांक झांक कर देखें, ये सोनगढ़ ये यहीं कहीं रहते हो, यहीं कहीं। और फिर कोई कोई उतर के देखें तो क्या कर रहे हैं। तो चुपचाप देखने आवे, और गुरदेसी तो अपने सहज सरल मस्त। तो फिर हिम्मत पड़ी तो सामने आके, साहब आह केम छो। मजा मा, और स्वाध्याय वगैरह सब बढ़िया है। अच्छा कुशलता, और कुछ नहीं कि विरोध कैसा हुआ, तुमने तो विरोध नहीं किया, फला ने तो नहीं किया, तुमने क्या किया, तुम्हारे गांव में क्या हुआ, उन्हें कोई मतलब नहीं। फिर स्वाध्याय में लग गए। अब वो प्रभावित कि हम तो सोचते थे गुरुदेव हमारे परिचित हैं तो कुछ पूछेंगे, कुछ जवाब देंगे, कुछ बुराइयां करेंगे, कुछ निंदा करेंगे, कुछ भी नहीं। अब तो प्रणाम कर करके साष्टांग। और अब वो जैसे ही अपने गांव पहुंचा, सुनाओ सुनाओ, कान में जाहिरात तो बोल नहीं सके, जाहिरात क्यों नहीं बोल सके, कि जाहिरात बोले तो रोटी बेटी छूटती है, तकलीफ हो, व्यापार धंधा, ए तुम विरोधी, तुम मिलके आए, निकाल दो इन्हें पंचायत में से, तो बहुत तकलीफ थी। लेकिन कानो कान, सुनो हम भावनगर जाते समय रास्ते में गुरुदेव को मिलके आए हैं, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या हुआ, दुखी होंगे, रो रहे होंगे, ऐसा होगा, हाँ मैं तो मैंने ये उस समय का माहौल। और अब दो दो चार चार को जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते गांव गांव से जिज्ञासा फैलते फैलते आने लगी। लेकिन सबसे पहले आने का सौभाग्य रायचंद भाई गांधी बोटाद वालों को रहा। सबसे पहले गांव में उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा कर दी, सारे विरोध के बाद भी, ये हरिभाई भायाणी के ससुर होते हैं, इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई जिनको चलना है चलो, कम से कम 100 आदमी चलें, अब थोड़े से गांव, आसपास के और भी गांव हैं, मैंने नाम लिखे हैं इनके, आसपास के गांव बोटाद लीमड़ी चूड़ा राणपुर बड़वाण, ऐसे कितनी जगह की, माने कहने का मतलब ये निकला इनका जरा प्रभुत्व था वहां पर गांव में, आसपास के गांव में राजा जैसी स्थिति, माने अच्छे ग्राम सेठ, धन्ना सेठ, नगर सेठ है ना, ऐसे आसपास की स्थिति में। सो उन्होंने जाहिर करा दिया, जो लोग चलना चाहे तो निःशुल्क ले जाएंगे और छोड़ देंगे, और भोजन की व्यवस्था भी हमारी तरफ से, भोजन की व्यवस्था, जो चलना चाहे चलो। और आसपास से इकट्ठे करके सबसे पहले, कहीं कहीं तो 60 लिखा है, कहीं कहीं 80-85 संख्या लिखी, दो तरह की संख्या मिलती है, लेकिन 60 होए तो अभी वे 60 लाख से बड़े हैं, और 80 हों तो 80 लाख से बड़े हैं, क्योंकि उस समय ऐसा कदम उठाना बहुत जिम्मेदारी की बात थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने अनाउंस कर दिया तो लोग चल दिए, घर घर जाके मनाना पड़ा, समझाना पड़ा, लोग कहते साहब हमारी हिम्मत नहीं, हम गरीब हैं, हमारा व्यापार है, हमारी बच्ची की शादी करनी है, हमें मत पढ़ो, हमें इस चक्कर में मत खींचो, ऐसे कितने ही लोग आगे नहीं आए। तो जो विरोधी थे उनके पास गए रायचंद भाई कि भाई एक बात बताओ, उसने बेस छोड़ा है ना, गुण तो नहीं छोड़े ना, आत्मा तो नहीं छूट गई ना, आत्मा के गुण तो नहीं छूटे ना, जिस व्यक्ति को हम इतने बरस तक पूछते रहे, जिनके प्रवचन सुनते रहे, क्या एक दिन में मुंह पट्टी अकेली छोड़ देने से उसके गुण चले गए। अब क्या जवाब दे रहे, तुम ही बताओ, गांव वालों से पूछे, तुम ही बताओ, वह समस्त साधुओं में हीरा था कि नहीं था, लाखों में एक था कि नहीं, कि हां, सारे गांव वालों को इस बात का तो अफसोस कि हमने अपना हीरा खो दिया,
हमने अपना रत्न खो दिया, हमने अपना रत्न खो दिया, ये बात की तकलीफ। तो फिर किसी प्रकार से समझा बुझाकर उस समय में 60 आदमी तैयार करना भी हंसी खेल है। गांव में बंबई में नहीं, बंबई तो कौन पहचाने की बगल के फ्लैट में कौन रहता है क्या नहीं लेकिन गांव में जहां 10-10 25-25 घर हों, 40 घर हों, 20 घर हों, 125 घर हों और एक दूसरे को जानते हों, बिजनेस में जुड़े हों, शादी ब्याह से जुड़े हों, वहां 60 आदमी तैयार करना हंसी खेल नहीं है। सबसे पहले लेकर गुरुदेव के पास आए, भोजन की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था लेकर आए और गुरुदेव श्री के प्रणाम किया कि गुरुदेव श्री हमसे घनी भूल थई गई, हमने आपकी कीमत नहीं करी, हमने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आज से हम आपके हैं, आपके चरणों में लौट जाते हैं हम, अब हमारे से आप कभी भी उपेक्षा का शिकार नहीं होंगे, हम आपकी उपेक्षा करके जी नहीं सकते, समर्पित। और यहीं से धीरे धीरे गजब हो गया कि पहली बार थानक, अभी देखो कौन से महीने में परिवर्तन हुआ था, चेत में, और चेत के बाद महीना आया भादों का, और इस समय में श्वेतांबर पहली बार गिनती के थोड़े से पर्युषण मनाने के लिए यहीं पर आने लगे। लो हमें तो गुरुदेव चाहिए हमें तो, ये पुण्य का उदय धीरे धीरे आया और आखिरकार यहां पर दिगंबरों का पर्युषण मनना शुरू नहीं हुआ, अभी श्वेतांबरों का पर्युषण धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। इसी बीच आखिरकार राजकोट और सभी जगह खबर तो फैल ही रही थी गुरुदेव की कि लोग आखिर जाने लगे। तो राम जी भाई दोषी से भी नहीं रहा गया कि एक बार मिलके तो आए तो वे भी वहां मिलने आए, अपनी जो मन में शंकाएं थी वे सब पूछी, गुरुदेव ने लॉजिक दिए कि हमने क्यों परिवर्तन किया, क्यों, आखिर बात क्या है, जरूरत क्या है, सब बात समझाई। तो राम जी भाई भी उसी दिन समर्पित हो गए कि अब हम आपके साथ हैं। और यही राम जी भाई ने 1992 में है ना, क्योंकि 91 में तो परिवर्तन हुआ, और 92 में राम जी भाई ने यहां पर मंदिर के लिए और स्थान गुरुदेव को ठहरने के स्थान, क्योंकि देखो गजब बात, एक साल में ही वो स्टार ऑफ इंडिया छोटा पड़ना लगा, 3 जनों से प्रवचन प्रारंभ होते होते लोग इतने बढ़ने लगे कि जगह नहीं बची अब, तो राम जी भाई ने दूरदृष्टि देखते हुए जगह ढूंढना शुरू करी और जगह ढूंढी तो वही जगह जहां आज सोनगढ़ बस रहा है। 4 पैसे में एक बार रेट जमीन का रेट, 4 पैसे में 3 फुट जमीन, 3 स्क्वायर फीट क्या बोलते हो है, 9 हाँ स्क्वायर फीट, अरे उस जमाने में 4 पैसे में 9 स्क्वायर फीट, 3 बार में कितना होता है, इतना ही, अच्छा एक बार में 9 स्क्वायर फीट, तो जो भी आप देख लेना, 4 पैसे में एक बार के हिसाब से जमीन खरीदी उस जमाने में। अब इतनी विशाल जगह खरीदी कहां से, ये पूरा कैंपस और बोर्डिंग तक की जगह, आश्रम नहीं, आश्रम की ब्रह्मचर्य आश्रम महिलाओं का जो बहनों का था वो नहीं, वो पूरी जगह खरीदी। अब हंगामा हुआ क्या करेंगे, गुरुदेव को तो जरा सी जगह चाहिए, इतना बड़ा लेके क्या करना है। वहां खुशहाल भाई के सामने जब ये बात आई कि इतनी बड़ी जगह लेके क्या करना, लेकिन राम जी भाई की दूरदृष्टि, खुशहाल भाई ने ये जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया, देखना एक दिन कीड़ियों की तरह मानस आएंगे यहां क्या कहा, एक दिन कीड़ियों की भांति यहां पर मानस आएंगे। लेकिन जब पूर्णतया विकसित हो गया तब खुशहाल भाई स्वयं नहीं देख पाए, थोड़े समय तो रहे देखा, लेकिन फिर वो पूरा विकसित होने के बाद देखने का भाग्य उनके भाग में नहीं रहा। लेकिन इनकी पत्नी गंगा बहन वो गुरुदेव के बाद तक जीवित रही सोनगढ़ में, वो हरगोविंद भाई के घर में रहती थी बंगला में। कहने का मतलब ये है, ये सारे इतिहास अपन देख रहे हैं, इस तरह से चलते चलते आखिरकार स्वाध्याय मंदिर का कार्य भी 1992 में प्रारंभ हुआ
और प्रारंभ होने के बाद अब उस समय का कोई तिथि वगैरह नहीं मिली, लेकिन कार्य प्रारंभ हो गया, कोई शिलान्यास करता ही नहीं था, राम जी भाई हैं जो कुछ ऐसा कर ले रहे। आखिरकार ये काम प्रारंभ होते होते 1993 में चैत बदी आठम 4 मई 1937 के दिन है एक घटना और घटी। बढ़िया मंदिर बनेगा उसकी चर्चा, स्वाध्याय मंदिर की चर्चा भी करें, उससे पहले एक घटना घटी 1993 में जिसकी अपन बात करते हैं। चैत बदी आठम 4 मई 1937 के दिन एक चमत्कार कहें, एक अच्छा काम हुआ वो कहें, वो हुआ बहन श्री को प्रातः 10 बजे जाति स्मरण की प्राप्ति हुई। अनुभव के बाद जाति स्मरण की प्राप्ति हुई। इस तरह से गुरुदेव ने, अभी ये बात इस घटना को ढंग से सुन लो थोड़ा सा, जाति स्मरण की प्राप्ति हुई लेकिन जिस दिन जाति स्मरण हुआ उस दिन से उनका वैराग, उनकी गंभीरता और उनकी उदासीनता कई गुनी बढ़ गई। और उसको इस बात से समझ सकते हो कि 6 महीने तक तो दोनों बहनें सगी बहनों जैसी रहने वाली शांताबेन चंपाबेन, शांताबेन को भी नहीं बताया कि मुझे जाति स्मरण हुआ है। लेकिन पूर्व में गुरुदेव को बाजी सुनाई दिए थे, स्वप्न आए थे राजकुमार के 35-40 बार, और वो जो ओमकार का भणकार आया था ऐसे हरिभाई भायणी को ऐसे चर्चा करते करते एक दिन बताया कि पता नहीं ऐसे अजीबो गरीब सपने आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं, क्या है क्या नहीं है, अपन तो ओमकार मानते नहीं आदि आदि। तो ऐसे ही जब वो कभी बैंसरी को मिलने गए, बैंसरी को वो जाएंगे ना आपस में मिलने कभी के लिए कोई व्यवस्था कुशल क्षेम, तो ऐसी बात बताई कि गुरुदेव आज ऐसी बात करते थे, ऐसे सपने आते ऐसा होता है ना। तो बैंसरी बोली बात तो साची छे, गुरुदेव तीर्थंकर थवानो छे। ऐसे अभी वो हरिभाई भायणी तो आगे फाड़ के देख रहे, तुम्हें कैसे मालूम, तुम्हें कैसे मालूम। तो बताया कुछ नहीं, बताया कुछ नहीं, बस बस कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं उस परिणति को बता रहा हूं कि जाति स्मरण का उन्हें कितनी महिमा थी, बस ये बताना है मुझे। उदासीनता क्यों बढ़ गई, वैराग क्यों बढ़ गया, समझ सकते हो? हमें क्रेज लग रहा है क्रेज, उन्हें उदासीनता बढ़ रही है। देखो आज ये भाई समझ लो, मैं आज गरीब घर में जन्म हुआ मेरा, गरीब घर में, तब जो है सो ठीक है, खाओ कमाओ तकलीफ तो नहीं ना कोई, लेकिन मुझे जाति स्मरण में मालूम पड़ जाए कि पूर्व भव में मैं चक्रवर्ती का पुत्र था, मैं सीमंदर भगवान का ही पुत्र था। अब आप जी सकते हो, जी सकते हो? सोचो, आप सोचो जरा शांति से। इस हुंडा सर्पणी पंचम काल में आना जिन्हें कलंक लगता हो, जहां भगवान का विदेह क्षेत्र छूटा हो, समोसरण छूटा हो, दिव्य ध्वनि छूटी हो, और कलंक के रूप में नारी की देह मिल गई हो, क्या उनके गरिमा का आधार जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है? विरक्ति बढ़ गई, उदासीनता बढ़ गई, कोई से बोले नहीं, कौन को कहें अब कि हमने ये अपराध किया जो इधर इस रूप में आए, कौन को बोले कि हम पहले पुरुष थे समोसरण में जाते थे, अब किसको बोलें? गुरुदेव श्री को भी 6 महीने बाद, जब गुरुदेव का जन्मदिन था या कोई चेत सुदी ऐसा कोई अवसर था प्रसंग, तो दोनों बहनों ने गुरुदेव को आहार के लिए निमंत्रण किया, साहेब बरस में एक दिन तो हमारे घर पधारो। तो गुरुदेव पधारे और तब बात चली कि तुमने ऐसा कैसे कहा कि मुझे तीर्थंकर होना है, हरि भाई ने मुझे बताया, तुमने ऐसा कैसे कहा कि मुझे तीर्थंकर होना है? तब उनने बताया कि साहेब क्षमा कर जो हमें ऐसा हुआ, 6 महीने तक पेट में पचाना और आंखों में से आंसू की धार लग गई। गुरुदेव ने सुना तो उनकी आंखों में से आंसू निकल आए, अरे रे रे ये सत्य है, हम बात हैं इधर आ गए। हिम्मत भाई ने पूछा कि साहेब आपकी आज्ञा होवे तो हम बहन श्री को प्रणाम कर लिया करें, जबकि हिम्मत भाई 6 साल बड़े थे, 6 साल बड़े, हम प्रणाम करने की इच्छा हो रही है कि नहीं नहीं नहीं
जाति स्मरण कोई गरिमा का आधार नहीं है। भगवान आत्मा तो त्रिकाली ज्ञाय के बल पर सौंपता है, त्रिकाली ज्ञाय की दृष्टि के बल पर सौंपता है। जहां केवल ज्ञान की कीमत नहीं, वहां जाति स्मरण की क्या कीमत है? प्रणाम करने को मना कर दिया, प्रणाम नहीं करना, कोई को कहना नहीं, बताना नहीं, जाहिर नहीं करना। और जब गुरुदेव श्री 2023 में यात्रा करने गए जयपुर साइड, तो रास्ते में बयाना नाम का गांव आया, बयाना, वहां पर 500 बरस पुरानी सीमंदर भगवान की प्रतिमा मिली। गुरुदेव को तो आंखों में से आंसू, गुरुदेव ने अपने हाथों से प्रक्षाल किया दोपहर में, अपने हाथों से, हां प्रभु आपके विरह में हम यहां पड़े हैं। और उस दिन गुरुदेव को अचानक भाव आया, सो बोलने लगे, तो बहन श्री ने कहा कि बाहर पाड़वानी शू जरूरत छे, लिखे थे ये बात लिखी दो, बाहर पाड़वानी शू जरूरत छे साहेब, आमा बद्धू आपनो प्रताप छे, इसमें तो सब कुछ आपका ही प्रताप है, इसमें हमारा क्या है, बाहर कहने की क्या जरूरत है। ये वो शुरुआती हालात हैं, ये शुरुआती हालात जिन गुरुदेव श्री ने हमें त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा की इतनी चर्चा सुनाई, और हम भी आखिरकार ग्रहित, क्या कहें, ग्रहित कहें, जैसे अन्य समाजी चमत्कारों पर मोहित हुए हैं और उन्हीं पर लट्टू होकर उसी की महिमा करने में अपना अहो भाग्य मान लिया, अपना जीवन का सर्वस्व मान लिया, जिन गुरुदेव श्री ने केवल ज्ञान तक को दृष्टि में नहीं लिया होए, हैं? अब प्रसंग आ गया इसलिए बता देता हूं। ब्रह्मचारिणी बहनों ने भी शांता बहन को प्रणाम करने की चेष्टा की, करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस महिमा के साथ। तो बहन श्री ने ठपका दे दिया, यदि तुम हमें जाति स्मरण के बल पर महान मानती हो तो तुम्हें तीन काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये बहन श्री के वचन है, क्यों? कि आत्मा जब कोई पर्याय से शोभायमान नहीं होता, त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान तो ध्रुवता के बल पर शोभायमान होता है, आनंद गुणों के बल पर शोभायमान होता है। यदि गुरुदेव की महिमा है, ध्यान से सुनना, मैं काम की बात कह रहा हूं, यदि गुरुदेव श्री की महिमा आज हमारे चित्त में है तो केवल इस बल पर है कि इस पंचम काल में उन्होंने ये अमृत हमें परोसा था, और इतना ही गुरुदेव की महिमा के लिए इतना पर्याप्त है कि इसके अलावा हमें कोई टेका लगाने की, कि कोई सपोर्ट देने की, कि कोई चमत्कार दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और ना आज है। गुरुदेव इतना महान उपकार कर गए हैं, वे इस छोटी सी घटना से महान नहीं हुए हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, गुरुदेव विदेह क्षेत्र से आए थे इसलिए महान नहीं थे, विदेह क्षेत्र से तो हम भी अनंत बार आए हैं, समोसरण तो हम भी अनंत बार लौटे हैं, हैं? और जाति स्मरण से भी गुरुदेव महान नहीं हुए, ना बहन श्री महान हुए। मैं फिर कहता हूं आपको, इतना भी स्पष्टीकरण मुझे देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे बहन श्री में कोई शंका नहीं उनकी पवित्रता में, चंपा बहन, शांता बहन और पूज्य गुरुदेव श्री की पवित्रता में एक रत्ती शंका नहीं है मुझे, ना उनके भविष्य में, ना उनके भूत में, ना जाति स्मरण में। लेकिन तुम यदि उसके बल पर उनको महान मानोगे, तो मैं सोचता हूं मैं यदि उसके बल पर महान मानूंगा तो फिर मैं गुरुदेव को नहीं पहचान पाया। बातें अपनी जगह सब सही हैं बिल्कुल, लेकिन महानता के आधार नहीं हो सकते, गुरुदेव श्री की जय जयकार के ये आधार नहीं बन सकते। मेरी सोच हो, मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं है, साइकोलॉजी पढ़ो आप, साइकोलॉजी जो अपने बल पर महान होते हैं ना, चाणक्य की कहानी सुनी, चाणक्य के दांत बाहर थे, है ना? तो कोई ज्योतिषी ने देखकर कहा ये भविष्य का महान कूटनीतिक बनेगा, महान प्रतापी बनेगा, तो उसने पत्थर उठा करके दांत तोड़ लिए, पत्थर उठा के दांत और ऐसे निकाल के दे दिए कि साहब ये रहे आपकी प्रतिभा के मानदंड, ये रहे आपकी प्रतिभा की नाप, और अब मैं इन दो दांतों के बिना ही तुम्हें महान बन के दिखाऊंगा। ऐसे ही गुरुदेव श्री को किसी की भी चमत्कार की जरूरत नहीं है गुरुदेव की महानता सिद्ध करने के लिए। और यदि हम सोचते हैं कि गुरुदेव इसलिए महान सिद्ध हो जाएंगे और सारा जगत इसलिए उनके चरणों में आ जाएगा और इसलिए तत्व ज्ञान ले लेगा,
तो ये हमारी ना समझी है। मैं फिर कहता हूं, मुझे इनकी पवित्रता में शंका नहीं है। मैं सच कहता हूं, पूरे दिन की कहानी हो जाने दो, आपको जिनको भी चंपा बहन श्री के प्रति महिमा नहीं आती होगी तो आएगी, शांता बहन के प्रति महिमा आएगी, गुरुदेव श्री के प्रति महिमा आएगी, लेकिन जैन शासन पर्यायों के व्यामोह में नहीं फंसने देता, ये याद रखना। क्या कहा? पर्याय के व्यामोह में नहीं फंसने देता। मेरा इतना ही कहना है बस, और इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। और दूरदृष्टि से आप देखना चाहो तो मैं जिनागम के संदर्भों में आपको समझा सकता हूं। आप जिनागम प्रेमी हो, गुरुदेव के प्रेमी हो, आप भी चाहते हो कि गुरुदेव अमर रहें, मैं भी चाहता हूं, हम सबके हृदय पवित्र हैं, हम किसी की आलोचना करने नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं आप एक छोटा सा हवाला देता हूं, आप निर्णय कर लेना बस। जिनागम ये कहता है, समृद्ध परंपराएं ये कहती हैं, जिन शासन की गंभीरता ये कहती है कि केवल ज्ञानी दिव्य ध्वनि में जो घोषणा हो उसकी स्थापनाएं हो सकती हैं, भावी तीर्थंकरों की आदि आदि हो सकती हैं, लेकिन जाति स्मरण के आधार से भावी तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना का विधान नहीं है। क्यों? अब प्रश्न हो सकता है, क्यों? क्या हमें गुरुदेव में शंका है, भैंसरी में शंका है, जाति स्मरण शंका है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम एक नई बात खड़ी करके स्थापना कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कल मैं कहूंगा कि मुझे भी जाति स्मरण हुआ है, मैं भी भावी तीर्थंकर हूं। आज कोई आचार्य, कोई साधु, कोई आरिका ये घोषणा करोगे तो वे तुम्हारी जाति स्मरण शंका करेंगे, तब तुम्हारे गुरुदेव भी शंका के घेरे में आ जाएंगे, या तो तुम्हें उनकी प्रतिमाएं भी उतने ही आदर से अपने मंदिरों में रखनी पड़ेंगी। कौन तैयार होगा बोलो? हम गुरुदेव की तो रखने तैयार हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा? आगे सोचो, अभी 18,500 बरस में कितने छली और प्रपंची आएंगे, वे भी अपने आप को तीर्थंकर घोषित कर सकते हैं, वे भी अपने आप को ना जाने क्या क्या घोषित कर सकते हैं, उनकी भी बहुत सारी ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, यदि उनने किया तो क्या होगा? बोलो, मैंने आपको पहले ही इशारा किया था, अपने आप ही ऐसी घटनाएं हुई ना, आखिर अपने आप को भविष्य का कुछ ना कुछ घोषित करने के चक्कर में रहे ना, तो जब वो दो फेल हुए ना, दो आदमी, तब फिर गुरुदेव पर भी शंका होने लगी, बहनश्री पर भी शंका होने लगी। इसलिए हमें तकलीफ होती, और कोई तकलीफ नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे गुरुदेव कोई उंगली उठा सके उन पर, हमारी बहनश्री पर कोई उंगली उठा सके। आप बता, सोचो शांति से, आज मान के चलो 500 मुनिराज 18,500 बरस में, मालूम है 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं गौण हो जाएंगी, और हर साधु, हर आचार्य का अपने अपने चाहने वाले सेठ हैं। आज विद्यासागर जी को कहने की देर है बस, उनके भाभी की मूर्ति बनने में एक सेकंड देर नहीं लग सकती, ऐसे करोड़ों न्यूछावर करने वाले हैं उनके पास। शुरुआत समंत भद्राचार्य से होगी, समंत भद्राचार्य भावी तीर्थंकर हैं, सबसे पहले उनकी प्रतिमा विराजमान की जाएगी, और इसकी आड़ में फिर औरों की होगी। अब क्या करोगे? हम उनकी जाति स्मरण में कैसे शंका करेंगे बताओ? लेकिन दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान वो बिल्कुल अबाधित है, तीन लोक में उसे कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, इसलिए हम खुल के कर सकते हैं। इतनी सी बात के कारण हिंदी भाइयों के प्रति और गुजराती भाइयों में इतनी सी दरार है, बस केवल ना समझ की, और कुछ नहीं। भाई साहब, आप गुजरात में होना तो आप बहुत सुरक्षित हो, हम बुंदेलखंड की गली गली में साधु घूमते हैं हमारे यहां, हमारे गांव गांव में हम जब जाते हैं तो हम ही जानते हैं, हम ये बात जो आज कैसेट में निकल के हमारे गांव में चली जाए तो अब भी वही तूफान होगा जो गुरुदेव के समय में हुआ है, आपको पता नहीं ना। दिक्कत तो ये है, प्रकाश चंद जी झांझरी टीकमगढ़ से कैसे रातों रात भगाना पड़ा है, हजारों की तादाद में लोग डंडे लिए खड़े थे, चाकू लिए खड़े थे, गोला बारूद लिए खड़े थे, पुलिस के संरक्षण में कैसे भगाना पड़ा। हम ये नहीं कहते हमें गुरुदेव में शंका है, हम सब गुरुदेव के नाम पर एक, बहनश्री के नाम पर एक, जाति स्मरण के नाम पर एक, और उनके भवितव्य के बारे में एक, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं, हमारी समृद्ध परंपराएं हैं, उनने बहुत दूरदृष्टि दी है। और मैं आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता, चूंकि प्रसंग आ गया इसलिए सुन लो आप। भोगी भाई अहमदाबाद,
भोगी भाई अहमदाबाद, उनके रिश्तेदार यहां पर भी हैं, और आप चाहो तो इसको क्या करा सकते हो, सर्टिफाई करा सकते हो। श्रीमद जी के बहुत चाहने वाले और गुरुदेव के भी भगत, तो उन्होंने एक बात सुनी, एक सदगुरु ने शोध ले बीजू काई शोधीस मां, एक सदगुरु खोज लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्रीमद जी तो है नहीं, गुरुदेव सदगुरु हैं। ऐसा जानकर उन्होंने कहा कि जो न्योछावर कर सको करो। उन्होंने सोचा गुरुदेव का भविष्य, भविष्य के तीर्थंकर की बात चलती है, गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे, बहन श्री भी प्रसन्न हो जाएंगी। और एक प्रतिमा लेकर आए थे 9 इंच की पाषाण की, और गुरुदेव को बड़ी प्रसन्नता से दिखाई कि साहेब ये प्रतिमा कैसी है। गुरुदेव ने देखी, अरे बहुत सारी छे, कहां प्रतिष्ठित कराना है, कहां विराजमान कराना है, कब करा रहे हो। गुरुदेव प्रसन्न, वे बोले कि साहेब सूर्य कीर्ति भगवान की प्रतिमा। इतना सुनते से ही ये बिल्कुल प्रूफ बात है। और गुरुदेव ने प्रतिमा लेकर के पैकिंग करवा के रख दी, और इतना नाराज हुए, आज तो मेरी करवा दोगे, कल दूसरों को कैसे रोकोगे। जो जो मैंने रेफरेंस दिए ना, रेफरेंस अभी बताए थे शुरू में कि आज तुम, मैं बहनश्री के जाति स्मरण के बल पर बैठ जाऊंगा, तो कल जाति स्मरण को कौन रोकेगा, फिर पूरे देश में कौन रोकेगा उन्हें। और दोनों बहन श्री को बुला करके ये बात स्पष्ट कह दिया था, हमारे मरने के बाद भी हमारी प्रतिमा स्थापित करवाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, तुम दोनों की जिम्मेदारी है। जिन लोगों को ये जानकारी है वे अभी जीवित हैं। भाई हम अपने मन के धन पूरे कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव की मान्यता, गुरुदेव की परिणति, गुरुदेव की शैली, गुरुदेव का वक्तत्व और गुरुदेव के व्यक्तित्व को हम लांछित होने से नहीं बचा सके। अभी भी मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, बिल्कुल जिनवाणी की साक्षी से कहता हूं, जिन्हें जो करना है करो, हमें आप पर कोई अभी भी तकलीफ नहीं। हम तो ये चाहते हैं आप फिर भी गुरुदेव को सुनो और हम भी गुरुदेव को सुने, हम दोनों में प्रेम जरूर रहे। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो गुजर गई उसे गुजर जाने दो, हम उसे हुंडा अपसर्पणी का दोष समझ लेंगे। अभी तो ऐसा और भी होगा भविष्य में, लेकिन हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम एक गुरुदेव श्री को सुनते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, और सब कुछ गौण करके त्रिकाली कारण परमात्मा का अनुभव करके अपना अनंत काल अमर कर लेवें, इसके सिवा दूसरी कोई बात नहीं। कोई किसी पर आक्षेप मत समझना, कोई किसी पर कमेंट्स नहीं समझना, हमें सब कुछ भूलकर अब एकता की बातें सोचनी है। क्यों? क्योंकि तकलीफ तुम्हें भी है, हमें भी है, हर व्यक्ति को है। मैं नहीं समझता हूं कि गुरुदेव जैसे जाति स्मरण के बल पर जो तीर्थंकर और गढ़धर और घोषित हुए बाद में, उसके बल पर कोई सोनगढ़ में सुखी होगा कि राजकोट में सुखी होगा कि भावनगर में सुखी होगा कि हमारे गांव में सुखी होगा। आखिरकार उसकी तकलीफ अभी से उठा रहे हैं हम, हमें मालूम है क्या कहे, क्या क्या कहे भाई, बस थोड़ा का सब समझ लो, हमारा हृदय पवित्र हो, हमें राग देश नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, हमें सोनगढ़ छोड़ना नहीं है, हमें एक स्थान पर भी कमी नहीं आने देनी है। समय बीत जाएगा, आज गुरुदेव नहीं है, बहनश्री नहीं है, बहुत सारे चले गए हैं और चले जाएंगे, एक दिन हम भी चले जाएंगे, लेकिन एकमात्र गुरुदेव, एकमात्र समय सार जी, एकमात्र जिन शासन की प्रभावना अब भी 18,500 वर्ष चलनी है, हमारी ओर से एक भी गलती ऐसी नहीं हो, एक भी उपेक्षा, एक भी द्वेष ऐसा नहीं हो जिससे एक भी भाई का हृदय टूटे। हम नहीं तोड़ना चाहते, बिल्कुल नहीं, आप अभी जो करना चाह रहे हैं अभी भी करो, लेकिन प्रेम पूरा रखो बस। और जो आपको करना है मैं अभी भी नहीं रोकता, हम होते कौन है रोकने वाले, लेकिन हमने आपको गुरुदेव का आत्मा और बहन श्री की आत्मा भी बता दी। बहन श्री ने खूब, नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या आमस हूं, यहां केवल ज्ञान की कीमत नहीं ना, जाति स्मरण इसमें कीमत, ऐसा जाति स्मरण तो क्षोभ ज्ञान में अभी बहुत जीवों को सुनने को मिल जाता है, इसकी क्या वैल्यू। गुरु बहन श्री बोले हो भाई, ये घटना हुई इसलिए मेरे को स्पष्टीकरण देने का भाव आया। मैं फिर एक बार कहता हूं, मेरी हृदय में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे राग देश फैले, जिससे तकलीफ हो, बिल्कुल नहीं है।
और यदि हो तो हमारी ये बात खाली कर देना, इसमें से निकाल देना, कैसेट में से भी और आप अपने हृदय में से भी निकाल देना। आपको जहां जो अच्छा लगे करो, हमें कुछ नहीं कहना है। हम तो एक बात चाहते हैं कि एक गुरुदेव रहें और हम सब एक रहें। समय थोड़ा है भाई, आयु थोड़ी है, कसाएं भी नहीं रहेंगी, समय शरीर भी नहीं रहेगा, लेकिन हमें अभी अनंत काल रहना है और हम आप सभी को सिद्धालय में मिलकर रहना है। जो भावी सिद्ध हो उन्हें यहां झगड़ा करके शोभा देता नहीं है। एक गुरुदेव श्री ने हमें सिद्धों जैसी दी है हमें बोलने की ताकत। तीन लोक में इस समय गौरवान भी तो हम हो रहे हैं कि हमने गुरुदेव को पाया है, हमने सच्चा शासन पाया है, हमने साचा अमृत पाया है, हमने भूलेला भगवान और भावी सिद्ध पाया है। इस सब का गौरव जिंदा रहना चाहिए। एक गुरुदेव की पवित्र आत्मा ने 400,000 जीवित किए। अब 400,000 का कर्तव्य है कि गुरुदेव की आन खंडित नहीं होने पाए। ओम नमः शिवाय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो, सो वाणी मस्तक न हो, सदा देत